हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी अबेकस की एडिशन, अबेकस क्या होता है, अबेकस में आंसरिंग रॉड्स क्या होते हैं, बीट्स क्या होती है। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लीज़ आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखोगे तो इस वीडियो में आपको नहीं समझ आएगा कि हम ये बीट्स क्या होती है, आप उस वीडियो से रिलेट नहीं कर पाओगे। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप लोग को लगे कि वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा और लाइक माय वीडियो। उसके पहले ये टेस्ट पेपर है, अगर आप लोग चाहते हो कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर आप देखना चाहते हो कि कितनी अच्छे से प्रैक्टिस हुई हुई है तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीन शॉट ले लो ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सके और उन आप देख सको कि ये टेस्ट में क्या है। आंसर के अकॉर्डिंग है बट आंसर आप उनको नहीं दिखाना। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक्स है पार्टनर्स। अबेकस में पार्टनर्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पार्टनर्स के लिए आपको अपनी फिंगर्स यूज करनी है। बिल्कुल आसान सा तरीका है जो आप अपने बच्चे को ईजिली समझा सकते हो। आपको पार्टनर्स के लिए अपने फाइव फिंगर का यूज करना है। फाइव फिंगर्स में अगर आपको बोला जाए पार्टनर फोर का, अगर फोर पार्टनर है तो आपको फोर फिंगर आपको मोड़ लेना है और जो एक फिंगर लेफ्ट है वो आपका फोर का पार्टनर है, यानी फोर का पार्टनर है आपका वन। सिंपल अगर उसी तरीके से टू की बात करें, अगर तो अगर पार्टनर है फिंगर है तो फिंगर में अगर आप टू फिंगर अगर आपको टू का पार्टनर फाइंड आउट करना है तो फाइव फिंगर है, टू का पार्टनर फाइंड आउट करना है तो टू फिंगर को हमने मोड़ दिया और कितना बचा हमारे पास? थ्री, यानी टू का पार्टनर है थ्री। सेम उसी तरीके से अगर आपको थ्री का पार्टनर टेक करना है तो थ्री फिंगर कर देंगे टू। तो ये बच्चों को सबसे ईजी सा मेथड होता है पार्टनर लर्न कराने का, अगर आप उस तरीके से लर्न भी करा सकते हो। वन का पार्टनर फोर, फोर का पार्टनर वन। सिंपली अगर वन का पार्टनर फोर है तो फोर का पार्टनर कौन होगा? लेट सपोज अगर आप लोग दो लोग हो घर में, अगर मम्मा पापा, अगर मम्मा का पार्टनर है पापा तो पापा के पार्टनर कौन है? मम्मा। सिंपल उसी तरीके से अगर वन का पार्टनर है फोर तो फोर का पार्टनर है आपका वन, टू का पार्टनर है आपका थ्री तो थ्री का पार्टनर है टू। सिंपल ये आपको लर्न करना है। अगर ये अकॉर्डिंग अगर आपका ये लर्न हो गया है तो फिर हम अपनी अबेकस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है अगर आपको क्या करना है, अपना अबेकस सेट करना है ये, फिर आपने ये फिंगर यूज करके ये सारे बिट्स को अप कर देना है। ये आपका अबेकस हो गया सेट। अब हम गाइस सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले है यहाँ पे टू, आपने यूनिट रॉड पे परफॉर्म करना है। मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि हम कोई भी सम जो है अभी सिर्फ यूनिट रॉड पे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टू, टू हम सिंपली अप कर देंगे। फिर है फोर। अब आप यहाँ पे ये नोटिस करो कि फोर, अब यहाँ पे आपके पास फोर बिट्स नहीं है तो आप क्या करोगे? फोर का पार्टनर यूज करेंगे, फोर का पार्टनर वन। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि फोर का पार्टनर है वन। तो जभी भी एक चीज आपको और माइंड में रखनी है, यहाँ पे फोर के आगे साइन किसका है? प्लस का। लेस नहीं करना है, आपने ऐड करना है। तो जभी भी आप ऐड करोगे तो आपका पार्टनर क्या होगा? आपका पार्टनर डाउन जाएगा। तो फोर का पार्टनर है वन, तो जब आप ऐड करोगे तो आपकी बिट्स क्या जाएगी? डाउन जाएगी। तो फोर है, फोर का पार्टनर वन, तो हम फोर का पार्टनर को वन को डाउन कर देंगे। और जब भी पार्टनर डाउन जाएगा तो आपकी जो अपर बिट्स है वो भी डाउन जाएगी। तो वन डाउन फाइव डाउन, ये साथ के करना है। फिर यहाँ पे वन है तो हमारे पास वन बिट्स है। अगर वन बिट्स नहीं होती तो हम इसको अप नहीं करते, तब हम पार्टनर का यूज करते, लेकिन हमारे पास वन बिट्स अवेलेबल है तो सिंपली हम ऐड कर देंगे। तो आंसर इज 5, 6, 7। नेक्स्ट है आपके पास 5 ऐड कर देंगे। उसके बाद है -5। अब यहाँ पे देखो 5 ऐड किए फिर लेस है तो हम ये लेस कर देंगे। फिर है 4, तो ये सिंपली 4 है, इसमें हमें पार्टनर का यूज नहीं होना था तो हमने नहीं किया। अब इसका आंसर इज 4। नेक्स्ट ए रो में हम थर्ड पे चलते हैं, इसको 1 1 आप किए, अब ये 4। अब आप यहाँ पे फिर से देखो 4 नहीं है,
फोर बिट्स हमारे पास नहीं है, जब हमारे पास बिट्स अवेलेबल नहीं होगी तभी हमें क्या करना है, अपना पार्टनर यूज करना है। तो फोर का पार्टनर वन, अब ये ऐड हो रहा है यहाँ पे, प्लस का साइन है, ऐड हो रहा है, तो हम ये क्या करेंगे यहाँ पे डाउन, तो वन डाउन कर देंगे। फिर थ्री, थ्री वन डाउन करेंगे, जब पार्टनर डाउन, ये जब वन का पार्टनर डाउन करेंगे तो फाइव भी डाउन करेंगे। फिर थ्री अप, ये थ्री अप करेंगे तो फाइव सिक्स सेवन एट, आंसर इज एट। अब हम बीरो देखते हैं, बीरो में से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें से यहाँ पे आप देखिए फोर, फोर हमने अप कर दिया, फिर है लेस टू, लेस टू कर दिया, अब है यहाँ पे फोर, फिर से फोर आपको ऐड करना है, तो फोर ऐड करने के लिए आपके पास बिट्स नहीं है, तो फोर का पार्टनर वन, अब हम क्या करेंगे वन डाउन करेंगे, अगर वन आपका डाउन देन ये आपका फाइव भी डाउन, आंसर इज सिक्स। इस तरीके से, इस तरीके से ये सारे सम तो आपको उस तरीके से करना है। अब हम नेक्स्ट सी में चलते हैं, सी रो में का एक एग्जांपल हम लेते, कोई सा भी पिक कर लेते हैं सी का, जैसे ये सबसे पहले एट, तो हम एट बनाएंगे, फाइव सिक्स सेवन एट, एट बना लिए, अब उसमें से फाइव लेस करना है, हमने फाइव को लेस कर दिया, अब बचा थ्री, अब यहाँ पे आप ध्यान दो ठीक है थ्री, तो थ्री बिट्स हमारे पास एड करने के लिए नहीं है, जो थ्री का पार्टनर क्या होता है हमारे पास टू, और जब भी ऐड कर रहे हैं तो आपका पार्टनर होता है डाउन, आपका पार्टनर क्या होता है यहाँ पे डाउन, तो यहाँ पे थ्री का पार्टनर टू, तो टू को हम डाउन करेंगे, वन टू, अगर टू डाउन तो ये फाइव भी डाउन, तो आंसर इज सिक्स। ओके, अब डी में देखते हैं, डी का कोई एक एग्जांपल लेते हैं, डी का फर्स्ट लेते हैं, फोर, फोर बेट कर दिए, फिर थ्री, अब थ्री ऐड नहीं करना है, थ्री ऐड करने के लिए मेरे पास, हमारे पास बिट्स नहीं है, तो क्या करेंगे थ्री का पार्टनर टू, टू को डाउन करेंगे, फाइव भी डाउन, अब फाइव को लेस कर देंगे, फिर से यहाँ पे लेस है ना, लेस फाइव, तो हमने फाइव को लेस कर दिया, तो आंसर इज टू। सेम उसी तरीके से यहाँ पे अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि ए, अब ए का यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या है टू, टू ऐड किया हमने, फिर से टू, फिर से टू ऐड करना है, तो टू का पार्टनर नहीं है मेरे, टू नहीं है, टू बिट्स ही नहीं है जो हम ऐड करें, तो टू का हम पार्टनर यूज करेंगे, तो टू का पार्टनर थ्री, थ्री डाउन, फाइव भी डाउन, तो आंसर है सिक्स। नेक्स्ट उसी तरीके से बी मेरो में हम कुछ भी, जैसे एट नंबर देख लेते हैं, अब एट नंबर देखिए, जैसे फोर, फोर ऐड किए, वन, वन नहीं है, तो वन, वन नहीं है तो वन का पार्टनर फोर, तो यानी ये फोर जो है वो डाउन करेंगे और ये फाइव भी डाउन, फिर से थ्री ऐड करेंगे, आंसर इज एट। इसको हम फिर से देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया हमने, फोर था, फोर अप कर दिया, अब वन है तो वन का पार्टनर क्या होता है फोर, फोर पार्टनर है तो फोर को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस है तो ऐड कर रहे हैं, तो ये डाउन हो गया, डाउन के बाद ये भी डाउन होता है हमारा, उसके बाद थ्री अप करेंगे तो फाइव सिक्स सेवन एट। इसी तरीके से एक और मैं क्वेश्चन आपको देख लेती हूँ, जैसे ये फोर्स हमसे, इसमें हमने थ्री थ्री में देखा था, इसमें हम फोर्स फोर में देख लेते हैं, जैसे कि ये एक एग्जांपल देख लीजिए, फोर, फोर अप किया, वन, वन नहीं है, वन नहीं है, वन का पार्टनर फोर डाउन करेंगे, हो गया, फिर से वन अप करेंगे, फिर से वन ऐड करेंगे, तो फाइव सिक्स सेवन, आंसर इज सेवन। तो गाइज यहाँ पे आज हमने ऐड किया है, पार्टनर ऐड करना सीखा है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम पार्टनर को लेस करना सीखेंगे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।